जैसा कि हमने आपको हानिया खान की गिरफ्तारी, फिर जेल और फिर अदालत के जरिए रिहाई से मुतल्लिक बिल्कुल ठीक ठीक बताया था कि बुशरा आमिर तूबा आमिर के बाद आमिर लियाकत की मुबैना तीसरी बीवी का दावा करने वाली हानिया के साथ कराची में क्या कुछ होता रहा। अब आते हैं ताज़ा तरीन अपडेट्स की जानिब, जो बहुत ही दिलचस्प और हानिया आमिर के स्कैंडल में नया रुख अख्तियार कर रही है। दिलचस्प अपडेट्स जानने से कबल बस एक छोटी सी गुजारिश के हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा ताकि हानिया से मुतल्लिक हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अच्छा जी, ताज़ा अपडेट्स ये हैं कि बुशरा और तूबा के बाद आमिर लियाकत के इस स्कैंडल ने एक नया रुख अख्तियार कर लिया है, क्योंकि एक ही वक्त में हानिया खान और उसके वालिद की दो बिल्कुल अलग अलग वीडियोस आ गई हैं। एक वीडियो में वालिद आमिर लियाकत से माफी मांगते हुए दिखाया जा रहा है और वो कह रहा है कि हानिया खान को इस्लामाबाद लेके जा रहा हूँ, मगर दूसरी वीडियो जो हानिया खान ने कराची के इलाके नर्सरी में रेस्ट हाउस से जारी की है, वो उसमें कह रही है कि उसने वालिदैन के साथ ना रहने का फैसला किया है। अच्छा, हानिया खान अदालती कार्रवाई से मुतलिक वीडियो में जो कुछ कह रही है, हमने अदालती अमले से तस्दीक की है और अदालती स्टाफ ने हमें बताया है कि जब जज साहब ने हानिया से पूछा कि वो वालिदैन के साथ जाना चाहती है, शौहर या फिर अकेले रहना चाहती है, तो हानिया खान ने बताया कि वो अपनी जिंदगी आजाद तरीके से गुजारना चाहती है। अब यहाँ बड़ा सवाल पैदा होता है कि हानिया खान का बाप बनकर आमिर लियाकत से माफी मांगने वाला और हानिया को वापस इस्लामाबाद ले जाने वाला शख्स कौन है? क्या वो वाकई हानिया खान का वालिद है या फिर किसी फर्जी शख्स को बाप बनाकर पेश किया जा रहा है? क्योंकि आप आमिर लियाकत को जानते हैं कि वो हानिया खान को नीचा दिखाने और झूठा साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता है। एक और मामला इस मामले को मशकूक बना रहा है कि जिस शख्स को हानिया का वालिद कहा जा रहा है, अब तक किसी प्रोग्राम या मकाम पर हानिया और वो शख्स एक साथ दिखाई नहीं दिए। सच क्या है? कहा जा रहा है कि हानिया खान जब भी खामोशी तोड़ेगी सामने आ ही जाएगा। इस स्कैंडल से मुतल्लिक जो भी ताज़ा तरीन अपडेट्स होंगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। साथ ही नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में राय दीजिए कि क्या आपकी नजर में कसूरवार कौन है, आमिर लियाकत या हानिया खान या फिर दोनों। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।